एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 को लेकर लगातार अभ्यर्थियों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जो वैकेंसी जारी की गई है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, और ऐसे में दोस्तों आपकी वैकेंसी बढ़ाने को लेकर एक और बड़ा ऑनलाइन धरना प्रदर्शन ट्विटर अभियान हमने रखा है। साथ ही अगर बात करें तो इस बार दोस्तों कौन कौन सी पोर्सों में कितनी कितनी आपकी वैकेंसी बढ़ने वाली है, क्या एसएससी आपका रिवाइज नोटिस जारी करेगी उस समय क्या आपको वैकेंसी इंक्रीज करके देगी, साथ ही तो स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी बताई जाएगी उस समय क्या एज में छूट आपको मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे जिनको ये लग रहा था कि एज में कम से कम एक साल की छूट तो एसएससी देगी ही, लेकिन दोस्तों जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया तो उसमें किसी प्रकार की आयु में छूट नहीं दी गई। ऐसे में दोस्तों जो नोटिफिकेशन आपका 2020 में आने वाला था वो 2021 में आया, तो कम से कम एक साल की आयु में छूट देनी चाहिए एसएससी को। इसको लेकर दोस्तों सभी अभ्यर्थियों की मांग के बाद में एक बड़ा यहां पर ऑनलाइन धरना प्रदर्शन रखा है, क्योंकि दोस्तों पहले भी हमने यहां पर ऑनलाइन ट्विटर जो आपका ट्विटर कैंपेन यहां पर रखा गया था, जिसके बाद में एसएससी पर एक भारी दबाव बनाया गया, उसके बाद में एसएससी ने आखिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आपका जारी कर दिया गया, लेकिन जो वैकेंसी जो है उनकी संख्या वो काफ़ी कम है। तो कौन कौन सी फोर्सों में आपकी कितनी कितनी वैकेंसी बढ़ने वाली है, क्या सीआरपीएफ की अलग से वैकेंसी आएगी या फिर सीआरपीएफ की वैकेंसी भी यहाँ पर बढ़ने वाली है, इसको लेकर भी मैं आपको बड़ी अपडेट देने वाला हूँ। अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म भर रहे हैं तो दोस्तों इन सब बातों का आपको पहले ही ध्यान रखना होगा, नहीं तो दोस्तों आपको भर्ती प्रक्रिया में अच्छे नंबर होते हुए भी बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि 2018 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था अभ्यर्थियों के साथ में। तो दोस्तों इसको लेकर हम पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताने वाले हैं, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के रिगार्डिंग हर प्रकार के लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचते रहे। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपको छोटी सी जानकारी बता देता हूं, चाक्सू पब्लिकेशन की तरफ से एसएससी जीडी कांस्टेबल के रिगार्डिंग एक बहुत ही अच्छी बुक मार्केट में आ चुकी है। बिल्कुल दोस्तों संपूर्ण गाइड आपको एसएससी की, क्योंकि 2018 में भी काफी ज्यादा कैंडिडेट इस बुक को पढ़ने के बाद सेलेक्ट हुए थे, क्योंकि ये बुक बनाई गई है वो एसएससी जीडी के पैटर्न के आधार पर है, और यहाँ पर आपको जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी और इंग्लिश सभी के टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलने वाले, जहां पर आपको 200 पेपर जो कि 2019 की एसएससी जीडी के होंगे, साथ ही 2800 प्लस बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले। दोस्तों ये बुक आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, मार्केट में भी उपलब्ध है, साथ में अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां जाके भी आप इसे खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले दोस्तों आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ दिखा देता हूं, जिसमें लिखा गया आपकी वैकेंसी बढ़ाने को लेकर। यहां पर आप देख लीजिएगा ये आपकी वैकेंसीज है, और यहां पर आप देख लीजिएगा पॉइंट नंबर, द वैकेंसी आर टेंटेटिव, एनी चेंज इन द नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी है उसको कभी भी चेंज कर सकती है, टेंटेटिव वैकेंसी आपको बताइए, क्योंकि 2011 से लेकर 2018 तक की एसएससी जीडी में वैकेंसीज को बार बार इंक्रीज किया गया है, और अभी यहां पर बताया गया एज द वैकेंसी इन केप्स हैव बीन अनमार्क स्टेट यूटी वाइज कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। इन्होंने कहा कि जो आपकी वैकेंसी होगी वो स्टेट वाइज होगी, और स्टेट वाइज जो नोटिफिकेशन है वो भी जल्दी जारी कर दिया जाएगा, लेकिन साफ साफ लिखा गया कि आपकी वैकेंसी है उसको एसएससी चेंज कर सकती है, और चेंज करेगी तो आपको फिर से एक मौका दे सकती है। इसलिए दोस्तों पोस्ट प्रिपरेशन भरते समय आपको काफी ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि सीआरपीएफ है उसको प्रिपरेशन में नहीं डाला गया, लेकिन सीआरपीएफ की आपकी अलग से वैकेंसी आ सकती है, और आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो लगभग 21,000 से ज्यादा अकेले सीआरपीएफ की वैकेंसी आ सकती है, और ऐसे में इस बार आपकी एक वैकेंसी है जिसका आपका जो आपकी भर्ती का जो काम होगा वो सीआरपीएफ की तरफ से करवाया जाएगा। वैकेंसी बढ़ने वाली वैकेंसी की अगर बात करें तो वैकेंसी यहां पर आपके बढ़ेगी दोस्तों, कौन कौन सी वैकेंसी आपके बढ़ने वाली है, तो बीएसएफ में आपकी वैकेंसी बढ़ सकती है, उसके साथ में अगर बात करें तो बीएसएफ के साथ ही एसएसबी में वैकेंसी आपकी बढ़ सकती है, और आईटीबी में, इन तीनों पोर्ट्स में आपकी वैकेंसी और बढ़ने वाली है, क्योंकि दोस्तों 2018 में भी जब फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाली थी उससे कुछ समय पहले आपकी वैकेंसी को बढ़ाया गया था।
अब वैकेंसी को बढ़ाने को लेकर ऑनलाइन ट्विटर अभियान रखा है और उसमें आपको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना होगा #SSCGD वैकेंसी इंक्रीज, तभी जाके दोस्तों SSC पर दबाव बनाया जा सकता है, आपकी वैकेंसी को इंक्रीज किया जा सकता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चाक्षु पब्लिकेशन की तरफ से दोस्तों आप सभी के लिए प्रैक्टिस वर्क बुक भी आ चुकी है और ये बुक भी आपको मार्केट में उपलब्ध है। यहाँ पर आपको 20 प्रैक्टिस एड साथ ही 8 सॉल्वड पेपर मिलेंगे जो कि 2011 की SSGD से लेकर 2018 की SSGD में पूछे गए क्वेश्चन होंगे, वो भी दोस्तों पूरे सोल्यूशन के साथ में। तो बिना किसी देरी के अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।